भाई जान एक बार फिर नाक 11 में आ गए हम लोग। दिखाता हूँ क्या क्या नुकसान हुए और कितनी देर का काम है। रस्ते में इतने लोगों ने हमें रिंग रोड पे रोका ना भाई। दिस इज अ 1300 सीसी टर्बो। इस मज़ेदार मौसम में इस मज़ेदार कूपन को निकालना तो ज़रूर बनता है। क्या बात है। दरवाज़ा खोलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं। और इसको आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि ये क्या बला है और इसको कभी भी सड़क पे देखो तो इसको इजी नहीं लेने का। अच्छा सेल वीक हो गए तो यार खुल जा। जी अस्सलाम वालेकुम डेफ फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग फिट होंगे। भाई आपके रजब भाई की गाड़ियों का ना उनके पास दिल नहीं लग रहा, इसलिए अब जाके वो उठा लेनी है। मेरे ख्याल है मेजोरिटी को आप लोगों में से पता होगा कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, दोनों गाड़ियों का हो गया था, एक का भी नहीं। तो इसलिए उन्होंने मुझे रात को कॉल की कि यार वो दोनों गाड़ियाँ ही ले जा। तो फिर ये है कि वो गाड़ियाँ उठाते हैं, रजब भाई के पास चलते हैं, वहाँ से वो गाड़ियाँ उठाते हैं, उठा के फिर उनका मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ है और कितनी देर का काम है और कितने खर्चे वाला काम है। उसके लिए निकलते हैं, पहले जाएंगे हम डीएचए से हम निकालेंगे वीजल, ताकि अगर इन केस दोनों गाड़ियों में से कोई लेट भी हो गई तो ये गाड़ी वहाँ पे अगर छोड़नी पड़ गई तो ये वहाँ पे बाहर खड़ी हो तो उसका कोई वीजल वहाँ खड़ी भी रहेगी, और अगर इन केस रजब भाई को जरूरत हुई तो वो चला भी लेंगे। तो इसलिए फिर इसको वहाँ छोड़ते हैं डैब पे और वहाँ से निकाल के वीजल तो चलते हैं रजब भाई के घर। बाकी आपको आज मौसम बहुत प्यारा है तो रास्ता एंजॉय कराते हैं और इस गाड़ी के साथ साथ फीचर्स भी दिखाते हैं, क्योंकि बड़े नए लोगों को इस गाड़ी का नहीं आइडिया कि ये क्या बला चीज़ है, क्या बम चीज़ है। इससे पंगा ना लेना कभी सड़क पे मिल जाए तो जेन्युइन मशवरा दे रहा हूँ भाई। दिस इज अ 1300 सीसी टर्बो कूपन। ये जो है अपना 1300 टर्बो है, ये छोटी सी डिंकी। अब आप लोग को 1300 तो कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई ये जब इतने से साइज में 1300 वो भी टर्बो डाल जाए तो भाई जान ये अखीर ही निकलती है। थोड़ा सा आपको चेक कराते हैं, एक मिनट गाड़ी गर्म हो गई है। यस थोड़ा बहुत चेक कराते हैं, सी बंद और यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी गाड़ी रिलिंग में आ जाए फिर चेक कराएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी सेंटर पे सुई नहीं आई। जिन लोगों को नहीं पता हमारे पास ऐसी दो हैं, एक ये वाली और एक इससे नई शेप वाली, जिसका नाम डिंकी रखा था और इसका नाम वाइल्ड मॉलिक्यूल रखा था। ऐसी हमारे पास दो गाड़ियां हैं। ये 1300 टर्बो है, वो 660 टर्बो है, ठीक है। और उस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था, हम स्कर्दू गए थे मैं और हबीब भाई, तो वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो बेचारी अब तैयार हो रही है और ये तो रेडी थी कि स्कर्दू से वापस आ गई थी। तो इस पे बस कुछ भी नहीं, इस पे बीच बीच में थोड़े बहुत काम होते रहे, लेकिन अब ये है कि ये थोड़े थोड़े काम मांग रही है। इसकी यहाँ इस राइट वाली साइड से शील्ड की आवाज़ आ रही है और लेफ्ट साइड से भी कोई चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई इतना ऐसा काम नहीं है। अब आपको मैं फील चेक कराऊँ इसकी, रास्ता मिलता है तो फिर यार आपको रन भी चेक कराते हैं। पहले इसके मोड्स चेक कर लो जो हमने कर ली हैं। इसकी हमने ये लाइटें चेंज कर ली हैं, ये हमने लाइटें नहीं डाल दी हैं। उसके अलावा ये ब्लैक पीपीएफ हुई हुई, इसको साल तकरीबन हो गया। हाँ वो भी लोग जो पूछते हैं कि भाई पीपीएफ की क्या, कहीं से नहीं फील कराता कि ये पीपीएफ या कुछ रैप शैप वगैरह। ये फ़र्क पेंट में भी देख लो, ये पेंट की फिनिश है, मेरा नहीं ख्याल कैमरा शायद, ये पेंट की फिनिश है, ये पीपीएफ की फिनिश है। इसके शाइन और इसके शाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी ये है कि ओए हवा कट है। बाकी ये तैमूर पे ही टेक्सटाइल पे ही हैं, उनको शौक है ये गंदे पतियाले, मेनू तो नहीं उस्ताद। ये वो ज़रूर अच्छा लगा यार, वो जो मेट्रो पे स्टार लाइट्स आई हैं ना, बेहतरीन यार, बड़ी मज़ेदार। अभी तो मैंने लाइव देखी ही नहीं है, लेकिन वो बहुत बहुत प्यारी चीज़ लग रही थी। इंटीरियर पे आ जाओ तो ये आर फिट है, ठीक है। यहाँ से हम इसके मैप्स वगैरह वो पंगे ले सकते हैं गाड़ी के। मेरा ख्याल है कि हम फ्यूल रेशो वगैरह सेट कर सकते हैं इससे। ये वो एयर फ्यूल रेशो गेज है, वो गेज बताती है कि क्या इसका वो चल रहा है। ये इसकी टर्बो की गेज आ गई, ये कितना बूस्ट बना रही है या वैक्यूम में है। बाकी सच कुछ भी हमने इसमें अपग्रेड नहीं किया हुआ, बाकी नॉर्मल ही है। तो बस आज भाई को पिक करना है, उनको पिक करके
टैब चलेंगे, वहाँ से फिर आप भी के साथ चलेंगे रजब भाई के घर, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ उठानी है तो फिर वो भी साथ चाहिए। फिर वहाँ से हम वो गाड़ियाँ उठा के तो फिर DH आ जाएंगे। अब होपफुली हमें आज आवाम शायद ना इतना नहीं वैसे करेगी यार, दोनों गाड़ियाँ लेंगे तो आवाम ने तो लेट सी आज की कैसी होती जर्नी। फिर मिलते हैं पहले डैब रजब भाई के घर। यार पानी बहुत खड़ा वेदर बगाए क्या यार, क्यों किसी को गीला करना फिर कभी सही। अभी बहुत पानी है रोड पे, अब बाद चाहें गड्डी रुकी ना ना भजन तो बाद। अभी वैसे बाकी भागनी भी नहीं है, ट्रैक्शन ही नहीं पकड़ेगी गाड़ी, वो रोड ही बड़ा स्लिपरी है। और दूसरा इसमें स्लिक सिस्टम डले हुए नहीं, सादे टायर डले हुए लेट है। तो यार अपना प्लान ये है कि ये वाली गाड़ी हम रजब भाई को दे देंगे ताकि इनके उनको भी जाना पड़े तो वो यूज़ कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है बारिश भी हो रही है तो आज उनको गाड़ियाँ वापस करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि PPF ताज़ा लग के सीधा पानी में निकालना मुश्किल होगा। इसलिए फिर ये वाली गाड़ी ले जाते ताकि अगर उन्हें यूज़ भी करना हो तो वो ज़्यादा मेरे पे प्रेशर ना डाले, वरना अगर गाड़ी के बगैर उन्हें मुझे कॉल पर कॉल करना है हमजा गड्डी दे गड्डी दे गड्डी दे, तो चलते हैं बस फिर सीधा, रास्ता क्लियर हो रहा है फिर निकलते हैं रजब भाई के घर। भाई जान एक बार फिर 8:11 में आ गए हम लोग, और दोनों में आ गए भाई, अपनी दोनों गाड़ियां पिक कर ली हैं फुल प्रोटोकॉल में। आज मेरे पता फील ही अलग आने वाली है, लोगों ने बहुत रोकना है और आपा नहीं रुकना, आपा बस पहुंचना है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और काम बहुत ज्यादा है। तो अब सीधा ही हम लोग स्टूडियो ही ब्रेक लगाएंगे रस्ते में, उम्मीद है कि कोई मसला नहीं आएगा, कोई ज्यादा बहुत तंग नहीं करेगा, पढ़ते ही जाना है। और अगर कोई वीडियो देख रहा है और कोई रोक रहा होगा रस्ते में तो माजरत, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है। और वैसे भी रजब भाई आए नहीं तो फिर रोक के भी क्या फ़ायदा। एक छोटी सी ब्रेक मारी है, तमूर भाई को पिक करने आए हैं, डेक्सटर भाई को आए नहीं रही, थल्ले आवाम इकट्ठी हो रही है, आईना आ ही नहीं रहे क्योंकि दोनों गाड़ियां साथ हैं तो लोगों को यही लग रहा है कि रजब भाई ही जा रहे हैं। तो खैर फॉलो अप कर रहे हैं लोग, काफ़ी उनको बता भी रहा हूँ कि नहीं भाई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग फॉलो करते हैं। आगे 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 लेट्स गो। जैसे रिंग रोड चढ़ने के लिए भी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, क्या ही टेंशन इस गाड़ी में भाई, मज़ेदार यार, मज़ा आता है इस गाड़ी में, बहुत मज़ा आता है जेन्युइन बात। इनकी एक तो SUV की अपनी फील होती है, लेकिन ये जो ये बला चीज़ है ना यार, बहुत मज़ेदार यार। आहा यार फाइनली हम लोग पहुंच गए, मजेदार सफर। मतलब रास्ते में इतने लोगों ने हमें रिंग रोड पे रोका है ना, हमने खैर बीच में गाड़ी तेज कर दी थी, लेकिन खैर बड़े लोगों ने हमें रिंग रोड पे रोका है, बड़ा मजा आया। लेकिन यार ये शुगर एक हद तक मेरा ख्याल है अच्छा लगता है, उसके बाद बंदे को ना थोड़ी सी वो मतलब वो थोड़ी सी ना मुश्किल फील होने लग जाती है कि यार हर जगह आप जिधर जा रहे हो उधर आपको रोक रहा है कोई। अब खैर पता नहीं रजब भाई को क्या फील होता है क्या नहीं, बट खैर मुझे ऐसा लगा कि आपको जगह जगह गाड़ी रोकते हैं तो कभी के बाद तंगी हो जाती है, कभी बंदे को इमरजेंसी होती है, लोग आगे गाड़ियां लगा देते हैं। खैर लोगों की मोहब्बत है यार, होनी भी चाहिए। फिर अब डैब पहुंच गए हैं, पहुंच के ही आपको दिखाता हूं क्या नुकसान हुए गाड़ियों। तो यार गाड़ी नंबर एक इस बेचारी का ये लाइट टूटी है, शुक्र है बम्पर बच गया। हाँ बच गया यार, इसका PPF चेंज होना है, ये कहाँ तक होगा वहाँ तक, ये वन पीस है ये पीछे। हाँ तो बस ठीक है, वहाँ तक इसका PPF चेंज हो जाएगा, ये भी है, ये साफ हो जाएगा, ये चेंज नहीं फट गया यार, इसका कोई हल नहीं, खप खप खाते। हाँ ये भी तो ये भी सेट होने वाला है, और इसका कोई मड फ्लैप पीछे से, ये मड फ्लैप लूज हो गया है, ये पहले पीछे था ये आगे आ गया। और दूसरी की तरफ आए तो इस बेचारी का ये शीशा टूट गया, पहले उधर के शीशे को था अब ये वाला, इस बेचारी के यही शीशों के ही मसले, बाकी ये तो ऑल गुड है। तो इसका काम ये अब हमें देसी शायद तैयार करवाना पड़ेगा या क्या, ये तो चेक करते हैं, इसको तुरवा के भेजते हैं क्या निकलता है इसका सीन पार्ट। बाकी जो दूसरी है उसका तो खुद का काम है, उसकी लाइट बस मंगवानी है, इसकी लाइट बस मंगवानी है, और बाकी तो अपना खुद का काम है, तो PPF वगैरह हम चेंज कर लेंगे। तो उसका भी आपने देख लिया PPF के फ़ायदे, हमारे पास ये एक और आई भी है, इसका भी ये देखो PPF के फ़ायदे भाई, इधर से ये गाड़ी लगी थी ठीक है, ये यहाँ तक लगी है, यहाँ तक लगी है, यहाँ से ले कर, और भाई गाड़ी के नीचे पेंट को अभी आपको चेक कराते हैं कि पेंट को कुछ हुआ है या नहीं, अभी इसको उतारते हैं फिर आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके अलावा दूसरी तरफ अपने पास एक हैवल आई हुई है, उसका भी PPF हो, नैनोटेक PPF हो रही है, उसके क्लाइंट ने कहा था कि मेरी गाड़ी को खोलना नहीं है, इसलिए हम उसको खोल नहीं रहे, बंद बंद को ही PPF कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमने वैसे कि पहली दफ़ा ही कोई बंद गाड़ी की होनी है, बट खैर क्लाइंट ने कहा तो फिर हमने नहीं करा।
लेटर। ये हमारे खुल चुके हैं, अब इनको हमने लेके जाना है, लेके क्या जाना है, भिजवा देंगे और ये रिपेयर होके वापस आ जाएगा। अब ये भिजवाते हैं, तब तक के लिए प्राडो का काम करते हैं। बचत तो हो गई, कुछ भी नहीं है, ऑल गुड। सिर्फ ये अब लाइट डलनी है, बाकी ये सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पीपीएफ नहीं है, तो पीपीएफ ने ये बचा लिया। तो यार अनफॉर्चुनेटली लाइट वगैरह लेट आई थी, तो काम कंप्लीट नहीं हो सका। उसका पीपीएफ का हो गया था, लेकिन लाइट फिट नहीं हो सकी थी। तो खैर अब कल इंशाल्लाह दोनों गाड़ियां रेडी होके ही चली जाएंगी। दूसरी का शीशा बनने चला गया, अब वो भी और दूसरी दोनों कल इंशाल्लाह हम लोग वापस करेंगे। तो फिर आज की वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।